8 स्टेट्स क्रॉस करने के बाद 9 स्टेट में एंटर कर रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 19। आज डेट है 25 जुलाई। अभी टाइम हो रहा है 8:15। सो आज का डेस्टिनेशन धुले है, धुले से आगे करूँगा, महाराष्ट्र में तो एंटर कर लूँगा आज। सो अभी रेन लाइनर्स पहन लिए, आज वो गलती नहीं करूँगा। कल पैंट में रेन लाइनर्स नहीं पहने थे तो आज पहन लिया, और अभी निकलूँगा। घर की याद आ रही है, आज मुंबई पहुँच सकता हूँ लेकिन घर से मुझे परमिशन नहीं मिली। एक दिन में 800 करूँ वो भी लास्ट, मतलब अभी ऑलमोस्ट 19-20 डेज हो गए घर से निकल के। तो घर वालों को कोई मुझे रिस्क नहीं लेने दे रहे, उनको लगता है रिस्क है, लेकिन एक बार महाराष्ट्र में एंटर कर लिया तो कुछ नहीं, अपना एक कंफर्ट जोन एक आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, अभी चैन टाइट वगैरह करूँगा और जर्नी स्टार्ट करूँगा। यस, आई एम ऑल सेट, आज की राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। 35,521, लास्ट 800 किलोमीटर्स टू गो। 9 बज चुके हैं, मैंने कैमरा चेंज कर दिया क्योंकि एच डी कैम में कुछ बैटरी इश्यूज आ रही है। सो अभी पुराना वाला कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक 3 किलोमीटर किए 10 मिनट में, सब चेक कर लिया, लिया या नहीं। मौसम तो पूरा मतलब बारिश वाला ही लग रहा है। प्रिपेयर्ड हूँ आज, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस बाइक में कुछ इशू नहीं आना चाहिए। मध्य प्रदेश में मुझे इंसानों से ज़्यादा इनसे डर लग रहा था। मतलब ये देखो, बीच में ही रोड्स में आ जाते हैं, आराम से चलाना पड़ रहा है। हाँ, सिंगल लेन रोड है, रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा हुआ रात को स्टे कर लिया मैंने, बहुत मुश्किल होता नहीं तो, अगर कंटिन्यू करता तो इंदौर तक। मध्य प्रदेश में मुझे ज़्यादा रिस्की लगा पूरे, मतलब अभी 8 स्टेट्स में, सब महाराष्ट्र आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। रोड्स की कंडीशन देखो एकदम वर्स्ट। अच्छा हुआ बारिश नहीं हो रही, नहीं तो लग गए। ये अभी सिंगल लेन रोड है, खत्म ही नहीं हो रहा है। कब आएगा 4 लेन वाला या 6 लेन वाला रोड, क्या पता। लोकल्स वालों को पूछा हाईवे कौन सा है तो बोले यही हाईवे है। इंदौर तक ऐसा ही रोड रहेगा शायद। बस हो गया, बस हो गया। 630 ना, 9,830 का पेट्रोल भर के हो गया। कहाँ पे फिल किया, 35,582 पे। अभी टाइम हुआ है 10:45। अभी तक मैंने किए हैं 62 किलोमीटर्स। रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इसलिए देर लग रहा है मुझे। फाइनली हाईवे पहुंच गया, इंदौर 41। टाइम हुआ 1 बज चुके हैं, 4 घंटे लगे 140 किलोमीटर्स करने के लिए। सो इट्स 2:30, आई रीच इंदौर। इंदौर से 20 किलोमीटर्स आगे हूँ। अच्छा लग रहा है अभी, मतलब सब इंदौर में आके मुंबई का बोर्ड दिख रहा है, मुंबई नासिक शिरडी। अभी यहाँ से धुले है 250 और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर कुछ 120-150 किलोमीटर्स है। सो बहुत मतलब खुशी हो रही है, अभी 8 स्टेट्स कंप्लीट होंगे मेरे और 9 स्टेट में एंटर करूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी खाना खाने के लिए रुका हूँ, आज दाल खिचड़ी खाऊँगा, सुबह से कुछ नहीं खाया था। रोड अच्छे है अभी, पूरा मतलब हाईवे ही है, तो खाना खाऊँगा और जर्नी कंटिन्यू करूँगा। और कैमरा भी चेंज करना है मुझे, अभी एच डी कैम स्टार्ट करूँगा क्योंकि महाराष्ट्र में शायद बारिश नहीं है। महाराष्ट्र बॉर्डर जस्ट 2-3 किलोमीटर दूर है, और क्या वेदर है यहाँ पे, वाह, पूरा फॉगी हो गया है, लगता है बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। फाइनली मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंटर कर रहा हूँ। फाइनली आलो महाराष्ट्र। 19 डेज पहले महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया था और आज, हाँ हाँ हाँ,
थैंक यू ड्रीम का। 8 स्टेट्स क्रॉस करने के बाद 9 स्टेट में एंटर कर रहा हूँ। अलग ही फीलिंग है, घर आ गया वापस ऐसा लग रहा है पूरा। लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई और 400 किलोमीटर्स बाकी है। गणपति अप्पा मोरिया। शाम होने को आई है, लाइट्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। धूले अभी 60 किलोमीटर्स है यहाँ से। टाइम हुआ है 6:15। जस्ट महाराष्ट्र में इंटर कर लिया मैंने। कितनी था भर लो? 750। यानी कहाँ पे भर है? 35,926। तो इट्स 750। आई रीच धूले। अभी मैं धूले में रुकने वाला था लेकिन मैं नहीं रुक रहा हूँ। अभी तक मैंने 450 किलोमीटर्स कर लिए है प्यावरा से आज के दिन में। सो अभी डिनर कर लिया। अभी मैं हूँ नासिक में, तो 2 बॉइल्ड एग्स खाए अभी और एक डबल ऑमलेट, लाइट ही खाए थोड़ा। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30। 10-15 मिनट में होटल पहुंच जाऊंगा। सो होटल में मिलता हूँ। सो इट्स 12:07। आज मैंने की 520 किलोमीटर्स फ्रॉम ब्यावरा टू नासिक। अभी मैं नासिक में हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई तक कंटिन्यू करने वाला था। मुंबई जस्ट 200 किलोमीटर्स है, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। आज डे 19 ख़त्म हुआ, तो चलो अभी सोता हूँ। कल आराम से उठूँगा 10 बजे और 11:30 निकल जाऊँगा। कल सुबह मिलता हूँ डे 20 पे। हाँ, बाय, गुड नाइट।